सांसद खेल प्रतियोगिता की तैयारी हुई तेज। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के घर पर कार्यक्रम का पोस्टर हुआ विमोचन। औरैया के विधिक चंद और मदार दरवाजा क्षेत्र में मकानों में आई दरारें, स्थानीय निवासियों के बीच है दहशत का माहौल। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हिंदू संगठन के नेताओं की हो रही हत्या पर जताई चिंता। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंप कर नफरत मौलियों पर लगाम लगाने की उठाई मांग। मारुति कार शोरूम में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की कीमती सामान लेकर मौके से हुए फरार। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, 3 चरणों में कार्यक्रम का होगा आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर आगरा से है, यहां 19 से 22 जनवरी तक सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में किया जा रहा है। प्रतियोगिता की शुरुआत G20 मैराथन के साथ की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर सेंट जॉनस चौराहे से हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना करेंगे। कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के निवास पर संपन्न हुआ। इस दौरान खेल संघ भारतीय जनता पार्टी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन हो रहा है। उसी के रूप में आज आगरा में सांसद खेल स्पर्धा होने जा रही है और उसको 19 से लेकर 22 तक उसका आयोजन होगा, जिसके लिए आज सांसद जी के घर पर निवास पर एक बैठक रखी गई है। इस बैठक में आगरा के युवाओं ने और युवा मोर्चा ने और आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग इस आयोजन को बहुत ही सफल आयोजन बनाएंगे। और निश्चित ही जिस प्रकार 19 तारीख को जब मैराथन में जितने युवा दौड़ेंगे, आगरा के जितने बच्चे दौड़ेंगे, मैं सबको बस, क्योंकि मैराथन में दौड़ने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और उसके साथ साथ खेल में हम लोग मोदी जी का जो योजना है कि हम खेल सांसद खेल स्पर्धा का माध्यम क्या, सांसद खेल स्पर्धा का अर्थ सिर्फ यही है कि खेल की भावनाओं से हम लोग उन लोगों के साथ जुड़ें और सांसद खेल स्पर्धा के द्वारा खिलाड़ी देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार को आयोजन को कर रहे हैं। सांसद खेल स्पर्धा जो द्वितीय आयोजन आगरा में होने जा रहा है, एक वही बहुत ही अलौकिक आयोजन है, क्योंकि सांसद खेल स्पर्धा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार जो पहली खेल स्पर्धा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में हुई, उससे विभिन्न खेलों में वो प्रतिभाएं निकल के आई जो प्रतिभाएं गली मोहल्ले और घर में छुपी बैठी थी, वो प्रतिभाएं जो चौक चौराहे एक, एक एक मकान से निकल के आई, क्योंकि जो सांसद खेल स्पर्धा का कार्यक्रम है, सांसद खुद अपने जनता को, अपने खिलाड़ियों को, अपने कौशल को और अपने छुपे हुए जो भविष्य है इस देश के खेलों के माध्यम से वो आगे आएंगे। तो माननीय सांसद जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन वो स्वयं अपने नेतृत्व में करा रहे हैं। आगरा शहरवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि विगत वर्ष की बात सांसद खेल स्पर्धा का द्वितीय आयोजन इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और आह्वान पर किया जा रहा है, जिसके जो 19, 20, 21, 22 4 दिन आगरा के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसकी शुरुआत सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा के ग्राउंड पर 19 तारीख को प्रातः 7 बजे एक सिंबॉलिक मैराथन से किया जाएगा। उस मैराथन का नाम रखा गया है रन फॉर G20। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां मोहम्मदी टाउन में एक सप्ताह में हुई 5 बच्चों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की गठित टीम ने जांच के बाद सीएमओ संतोष गुप्ता को बताया कि डायरिया की वजह से बच्चों की मौत हुई है। टीम ने कहा कि प्रथम दृष्टया दूषित जल पीने से बच्चे बीमार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दूषित जल पीने से हुई 5 बच्चों की मौत पर और 9 बच्चों के बीमार होने पर दुखद जताया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए आत्मलोचना का गंभीर विषय है, विपक्ष के आलोचना का नहीं। और वो जो कारण हम लोगों ने वहाँ पे सभी घर डोर टू डोर कैंपेन चलाया हुआ है, 950 घर हमने पिछले 3 दिन में विजिट करे हैं, 130 बच्चों का इम्यूनाइजेशन किया गया है और 231 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और चिकनगुनिया के। 172 की रिपोर्ट आ चुकी है, उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं है, शेष की अभी रिपोर्ट आना शेष है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो है वो इलाका है, थोड़ी सघन बस्ती है वहाँ पे जो है, और बहुत सी जो
खबर रायबरेली से है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 5 वर्ष के बच्चों को MR वैक्सीन और ड्यू वैक्सीन दी जानी है। बच्चों की 100% टीकाकरण सुनिश्चित कराने के लिए शासन के निर्देश पर 3 चरणों में 9 से 20 जनवरी, 13 से 24 फरवरी और 13 से 24 मार्च तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। आशा ANM ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 5 वर्ष के सभी बच्चों को सर्वे कर इकोवॉच पोर्टल पर जानकारी फीड की गई है। 5 साल का कोई भी बच्चा हमारा किसी भी टीका से छूटने न पाए, ये हमारी जनपद के सब अपने वासियों से अपील है। आप सबकी तरफ से विशेष आग्रह है कि आप सब हमारे इस बात को जनता के बीच में ले जाएं, जिससे कि लोग हमारे इन अभियान में विशेषता और जो हमारे रूटीन में शनिवार और बुधवार को सत्र लगते हैं, इसमें अपने बच्चों को भेजें। और ख़ासकर हमारा एक जिला अस्पताल में भी एक संडे को जो सेशन हो रहा है स्पेशल, बाकी 7 दिन जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन होगा, और जो हमारी अर्बन PSC है उसमें भी 6 दिन वैक्सीनेशन होगा। बता दें कि खबर रायबरेली से है, जहां MR और ड्यू के वैक्सीन को इजाजत मिल गई है। वहीं बच्चों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें NM और आशा बहुओं को ये कार्य दिया गया है, वो घर पर जाकर बच्चों को टीकाकरण लगाएंगी। खबर रायबरेली से है, जहां टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा रही है। बच्चों को MR और ड्यू वैक्सीन के डोज लगेंगे, जिसमें आशा बहुएं और ANM को ये जिम्मेदारी मिली है, वो घर पर जाकर हर बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएगी। वहीं पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी की गई है, लगातार इसका फीडबैक भी देना है सरकार को। खबर सहारनपुर से है, यहाँ यातायात सुरक्षा अभियान के तहत देहरादून स्थित चौक पर ARTO महेंद्र बाबू गुप्ता ने बिना हेलमेट बाइक सवारों को रोककर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान ARTO अधिकारी के निर्देश पर प्रत्येक वाहनों पर स्टिकर लगाकर सेफ ड्राइव की अपील की गई है। सड़क सुरक्षा संबंधी सड़क सुरक्षा माह ये चलाया जा रहा है। जैसा कि आपको बताना चाहते हैं कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं किसी भी रोग के द्वारा, उसको रोकने की जिम्मेदारी हम सब की, हमारे सब सारे लोगों की है। आज का दिवस। खबर रायबरेली से है, यहाँ भदोखर थाना स्थित कस्बे निवासी एक जवान के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। वाहन के कागजात के संबंध में जानकारी करने गए जवान के साथ थाने में तैनात दरोगा अन्य पुलिस कर्मचारियों ने जमकर मारपीट कर पीड़ित को 3rd degree दी है। सेना के जवान ने SP को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला ये है कि हमारा गाड़ी है 10 चक्का, उसके डॉक्यूमेंट गिर गए थे, तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए मैं थाना भदोखर गया था। वहाँ पर मुंशी से मिला और मुंशी से बात किया तो उसने फ़ोटो खींचा और बोला कि इसको ऑनलाइन कर दीजिए। हमने कहा सर ऑनलाइन कहाँ से करना है, इसका रिसिप्ट भी हमें चाहिए। तो उसने बताया, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर निखिलेश टेबल पे बैठा हुआ था सिविल ड्रेस में। हमें नहीं मालूम था कि ये इंस्पेक्टर हैं या सिपाही जो भी हैं, क्योंकि ये सिविल ड्रेस में थे। तो उन्होंने हमें बुलाया और हमसे पूछा क्या मामला है, तो हमने बताया। उसके बाद उन्होंने बोला क्या गारंटी है कि आपके डॉक्यूमेंट गिरे हुए हैं। हमने कहा सर गारंटी तो नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट गिरे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे और रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। हमने कहा सर मैं एक सैनिक हूँ, हमारे साथ आप ऐसा कर रहे हैं थाने में बैठ के। तो उन्होंने बोला आप यहाँ से चले जाइए, हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। और हमने कहा सर के पास चलते हैं, तो सर के पास उधर गए तो इन्होंने गाली देना चालू कर दिया। हमने कहा सर गाली मत दीजिए, तो इन्होंने मारना चालू कर दिया और 4-5 पुलिसकर्मी और आ गए और हमारे को मारे। बजरंगदल कार्यकर्ताओं ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और नेताओं को हुई रही हत्या के संबंध में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया है।
उन्होंने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन पत्र जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें मुस्लिम समाज को भड़काने वाले नेताओं मौलवियों पर नियंत्रण लगाने के लिए केंद्र सरकार से कठोर कानून बनाने की मांग उठाई है। बजरंग दल के नेताओं ने पिछले 2 वर्षों में हुई 9 कार्यकर्ताओं की हत्या, 32 कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले और दिल्ली निवासी युवती की 32 टुकड़ों में हुई निर्मम हत्या की निंदा की है। आतंकवादी जो गतिविधियां हो रही हैं पूरे देश के अंदर और जम्मू में, जो 2 बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ में 7 हिंदुओं को निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके बाद गत 2 वर्षों से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। 9 कार्यकर्ता बजरंग दल के पिछले 2 वर्ष में मार दिए गए हैं और 32 कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले किए गए हैं। तो ये जो कट्टरपंथी जिहादी जो ये इस देश के अंदर पैदा हो रहे हैं, खबर बांदा से है। यहाँ छनिहा डेरा स्थित के नदी के पास विशालकाय जानवर करैश ने एक किसान पर हमला कर दिया है। करीब आधे घंटे की खतरनाक लड़ाई में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख पुकार के शोर पर पहुंचे ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीटकर जानवर की हत्या कर दी। डायल 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल किसान को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पूछताछ में घायल ने बताया कि 13वीं निमंत्रण से वापस लौटते समय विशालकाय जानवर ने उस पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया। मेरा नाम दयाराम है। अच्छा बताओ, कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे थे, क्या घटना हुई है तुम्हारे? हम लोग निमंत्रण गए थे, निमंत्रण खा के मैं अपने गांव जा डेरा जा रहा था। हाँ। नदी किनारे आकर आक्रमण कर दिया मेरे ऊपर। कौन है जानवर? जानवर करंज बता रहे हैं। करेक्ट। तो क्या कैसी घटना हो गई? ये आकर अचानक मुझे पकड़ लिया और जब हमला करने लगा तो फिर मैं पकड़ ही लिया था हाथ में। हाँ, इसके बाद मैं चिल्लाता रहा, पकड़ लिया था, फिर जब कोई आवाज़ नहीं सुना तो फिर मैं उसके ऊपर अटैक करने, फिर हम दोनों 1 घंटा तक बराबर लड़े, फिर उसको दबाए पा गया गड्ढे में। हाँ, तो उसको जाने नहीं दिया, फिर उसी तरह छोटा डंडा था उसी डंडा से इसको वार करते करते। खबर औरैया से है। यहाँ विधि चंद और मदार दरवाजा क्षेत्र में मकानों में दरार आने की शिकायतें सामने आ रही हैं। प्राइम टीवी के संवाददाता ने स्थलीय निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से जानकारी हासिल की है। इस दौरान स्थानीय निवासी ललैया और सांसद पंकज मिश्रा ने बताया कि पिछले साल दिवाली के समय से ही मकानों में दरारें आने शुरू हो गई थी। उच्च अधिकारियों से मिलकर मामले से अवगत कराया गया था, पर अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। हमारे साथ में प्रमोद कुमार पोरवाल जी बैठे हुए हैं, जिनके भवन पे मैं बैठा हूँ। यहाँ के बहुत पुराने आदमी हैं और इस मोहल्ले के बारे में काफ़ी इनको जानकारी भी है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इस दरकने का पूरा कारण क्या है। बताया ये भी जा रहा है कि इनके मकान में भी दरारें पड़ी हैं। मैं उनसे पूरी सच्चाई लेना चाहता हूँ, क्या मामला है जैसा आपका प्रमोद जी? सवाल इस बात का है कि ये तो ये धरती का कंपन है, जिस तरह जोशी मठ में कंपन हुआ है, दरारें फटी हैं, उसी तरह यहाँ भी कंपन है, धरती का कंपन है। उस वजह से ये सब कई बिल्डिंगों में, नगर मोहल्ले की कम से कम 20 बिल्डिंगों में ये दरारें आई हैं, बिल्डिंग फट गई हैं और यहाँ से कई लोग अपने घर छोड़ के पलायन करके और दूसरे मोहल्लों में रहने के लिए किराए पे मजबूर हैं। प्रशासन कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि प्रशासन को पहले पूर्व में सूचना दी जा चुकी है कि इस तरह के मोहल्ले में कभी हादसा हो सकता है। हमारे साथ में कुछ और सहयोगी भी हैं, मैं उनसे ही बात करना था मकान के भवन के बारे में कि क्या उनके मकान में किसी के दरारें पड़ी हैं। आइए, मैं उनका नाम जानना चाहता हूँ। भैया, मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं मदार दरवाज़ा में रहता हूँ और मेरा मकान अभी मैंने 5-6 महीने पहले 2-3 लाख रुपए लगाए थे और मेरा मकान पूरा चटक गया है, दरार आ गई है, तो हम लोग रहने को भी परेशान हैं, क्या करें। कुछ लोग तो मकान खाली करके भी यहाँ से चले गए हैं। हमारे साथ में इस मोहल्ला मदार दरवाजा के सभासद जी जुड़े, पंकज मिश्रा। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि पंकज जी, क्या पूरी घटना है, किस तरीके ये दरार पड़ रही है, क्या मामला है? ये काफ़ी दिनों से है, लोगों ने नगर पालिका में भी खबर की, जो साहब से भी कहा और वैसे भी प्रशासन के लोगों को खबर की गई, लेकिन कोई भी ज़्यादा इसकी देखरेख करने अभी तक नहीं आया। तो अब बड़ी समस्या ये है कि लोगों को परेशानी हो रही है, घर धसकते जा रहे हैं, चिटकते जा रहे हैं और आसपास केवल एक ही जगह नहीं है, उस तरफ भी है, तो ये बड़ी समस्या है। जोशी कितने मकान होंगे आज की स्थिति में? लगभग अगर दोनों तरफ ले रहे तो 15 से 20 मकान ऐसे हैं जिनमें ये समस्या है, काफ़ी लोग छोड़ के भी चले गए हैं। प्राइम टीवी की टीम आज औरैया के मदार दरवाजा में पहुंची, जहां पर कुछ मकान तरकने की बात सामने आ रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँ किस तरीके से यहां मकान तरक रहे हैं, आप ध्यान ये देखिए, दीवारें हैं जो बताए काफ़ी पुरानी मकान बने हुए हैं और ये तरकने की कगार पर आ गए हैं।
कुछ लोग यहाँ बताए भी जा रहे हैं, यहाँ से फ्लैट करके भी चले गए हैं। और भी अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा, देखिए इस तरीके से ये जो दीवार का मेल बना हुआ है चलने के लिए, ये भी काफ़ी गलत चुकी है। और देखिए लोग अपने घर से बाहर निकलने पर भी मजबूर है। इस तरीके के कई नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई मकान ऐसे गरक गए हैं। प्राइम टीवी की टीम ने आज मोहल्ला बिदीचक और मदार दरवाज़ा दोनों जगह जाकर जांच पड़ताल की, लोगों से बातचीत भी की गई। लोगों ने बताया कि कुछ बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पर पहले ज़माने में कभी खत्तियाँ हुआ करती थी, गल्ला भरा जाता था, पर उस समय जो पुरवा दी गई थी जब आवास बने। वहीं लोगों का कहना है यहाँ पर कुछ लोगों ने प्लान भी कर चुके हैं। आपको लोगों से बात करके बताया कि किस तरीके लोगों के मकानों में नुकसान हो, कुछ लोगों ने प्लान करने पर भी मजबूर हो गए। वहीं लोगों का कहना है उत्तराखंड जिस तरीके जोशी मठ में घटनाएं हो रही है मकान धड़कने की, उसी तरीके से औरिया जनपद में भी मकान धड़कने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं आज PWD के कुछ अधिकारी आए, यहां का मौका मुआयना किया। अब जांच की बात है कि जांच में किस तरीके से सामने बात आती है। प्राइम टीवी के लिए जायल अख्तर की रिपोर्ट, औरिया। खबर हमीरपुर से है। यहां कुरारा थाना के जल्ला गांव निवासी पीड़ित राजू पाल की पत्नी और दो बच्चों की मौत का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या में संलिप्त आरोपी राम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी नशे का आदी है। रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर उसने अपनी बहन दो बच्चों की सिलबट्टा मारकर हत्या कर दी और बाद में पुलिस को गुमराह करने के लिए कमरे में आग लगा दी। उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज विधिक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। शाम तक 8 बजे तक रहा यहाँ, 8 बजे आग लगने में हमें मौजूदा ना मिला। हम सब कई लोगों ने मिलकर गांव वालों ने आग बुझाई, उसके अंदर जब गए तो सब हमको तीनों बच्ची और उसकी माँ जली मिली। तब हमने उसको पुलिस को 100 नंबर को फ़ोन किया, फ़ोन करने प्रधान को फ़ोन किया। इसके बाद सब लोग आ गए और हमारी मिट्टी ले गए, यहाँ से उठा के ले गए। क्या स्थिति थी जब आप लोग यहाँ आए थे उस समय? आग जल रही थी बहुत ऊंचे, जब आग ऊंचे जल रही थी तब उसको बुझाने में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रिजेश, पुलिस ने आरोपी का खुलासा कर दिया है जिसने माँ और दो बेटियों का मर्डर कर दिया था। देखिए नंदनी, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा प्रकरण बीती 11 जनवरी का है। बीती 11 जनवरी को एक यहाँ के कुरारा थाना क्षेत्र के जल्ला गांव में बंद कमरे में एक महिला समेत उसकी दो मासूम बेटियों के जले हुए शव बरामद हुए, जिसके बाद यहाँ इस पूरे मामले की जानकारी जब यहाँ की स्थानीय पुलिस को हुई थी तो स्थानीय पुलिस और यहाँ के पुलिस के उच्चाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे थे, और जिसके बाद पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने ये बताया था कि ये पूरा मामला रूम हीटर से आग लगने से महिला और उसकी दो मासूम बेटियों की मौत हुई है। हालांकि इस प्रकरण के बाद से ही मृतका का जो ससुर था उसने मृतका के भाई राम प्रकाश पर शक जाहिर किया था, क्योंकि घटना के बाद से ही लगातार मृतका का जो भाई था राम प्रकाश वो फरार चल रहा था। हालांकि इस मामले की पुलिस को अभी तक तहरीर नहीं दी गई थी। जब पुलिस ने मृतका के पति ने जब पुलिस को इस मामले की तहरीर दी तो पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज किया और पूरे मामले की तहकीकात शुरू करी, तो इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। और इस खुलासे में ये उजागर होके सामने आया कि जो मृतका का भाई राम प्रकाश था इसने ही अपनी बहन और दो मासूम भांजियों की हत्या करी थी और हत्या करने के बाद घर में आग लगाया था, जिसके बाद राम प्रकाश मौके से फरार चल रहा था। पुलिस ने बीती देर रात राम प्रकाश को हिरासत में लिया है और उससे जब सख्ती से इस पूरे मामले में पूछताछ करी है तो राम प्रकाश ने ये कबूल किया है कि उसने ही अपनी बहन और दो भांजियों की हत्या करी थी। वजह ये सामने आई है, पुलिस की तरफ से ये बयान आया है कि राम प्रकाश शराब के नशे का आदी था और जो अपनी बहन के घर पर ही काफी लंबे समय से रहता था, अक्सर अपनी बहन से अपने नशे की पूर्ति के लिए पैसे की मांग करता था और घटना के दिन भी राम प्रकाश ने अपनी बहन से पैसे मांगे थे और पैसे ना देने के बाद में राम प्रकाश ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रिजेश।
खबर गाजियाबाद से है। यहां लिंक रोड स्थित मोटर क्राफ्ट सेल्स लिमिटेड के मारुति कार शोरूम में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने गार्ड और गनर को बंधक बनाकर शोरूम से 70,000 रुपए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर निकालकर फरार हो गए। शोरूम के जेवीएम ऋषिराज कपूर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। एसीपी पूनम मिश्रा ने घटना को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्यवाही की अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। करीब 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक कार शोरूम के अंदर घुस करके दोनों गार्डों को बंधक बना करके लूटपाट की घटना की गई। उनके उस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य आधारों के बदमाशों की पहचान जारी है। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस अधिकारियों ने मास्टर चाबी से वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह से संबंधित 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी के वाहनों की गाड़ी काटकर पार्ट्स बेचने का काम करते हैं। सेंट्रल जोन के डीसीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि गिरोह के सदस्य रेकी कर वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों की निशानदेही पर 4 वाहन, 2 कटे वाहन के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। डीसीपी ने आरोपियों की अन्य वारदात की जानकारी हासिल करने के लिए अन्य जनपदों की थाना पुलिस से संपर्क करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये 3 लोग हैं, जिसमें से एक जो है पहले ऐसे स्थान पे जाते थे जहां पे बहुत दिनों से गाड़ियां रखी रहती थी, उसका रेकी करते थे। रेकी करने के बाद में जो इसका दूसरा साथी था, जो कि जनपद भिंड मध्य प्रदेश का रहने वाला, उसको सूचित करता था कि गाड़ियां यहां पे रखी हुई है। उसके बाद में अपनी मास्टर की से गाड़ियों को जो यहाँ से उठा लेता था। और जो तीसरा व्यक्ति है, जो कि जनपद औरैया का रहने वाला है, उसे सूचित करके जो है गाड़ियों को जो है बेच देता था, या गाड़ियों के जो अलग अलग पार्ट्स करके ये बेचने का काम करते थे। खबर रायबरेली से, यहां सड़क सुरक्षा यातायात माह जागरूकता के तहत महिला पुलिस कर्मियों ने बाइक रैली का आयोजन कर शहरवासियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान रैली में उपस्थित वाहनों में लगे स्लोगन के माध्यम से हेलमेट पहनने, वाहन धीमी गति से चलाने समेत अन्य यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी यातायात आशुतोष त्रिपाठी मौजूद थे। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि इस वक्त सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, उसी क्रम में आज जागरूकता के लिए आम पब्लिक को, लोगों को जागरूकता ट्रैफिक के नियमों के लिए एक यातायात पुलिसकर्मी और हमारी महिला पुलिसकर्मी और सभी के द्वारा एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बाइक और स्कूटी दोनों शामिल हैं। और इस रैली के माध्यम से हम रायबरेली की जनता को जागरूक करेंगे कि सड़क पर चलते हुए लोग हेलमेट लगाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। इसका उद्देश्य ये है कि दुर्घटनाओं में कमी आए और लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक हों। फिलहाल अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।